करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम अपने गोरखपुर शहर की बात और इमामबाड़ा स्टेट के बारे में बता रहे हैं। चांद होते ही हमारे वहाँ के सारी परंपरागत कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, चारों फाटक हमारे खुल गए हैं, बाकी चीजें हमारी हो रही हैं, सोने चांदी की ताजिया हमारी जनता के दर्शनार्थ खोल दी गई है। ये मुहर्रम की 10 तारीख तक सब पब्लिक के दर्शन के लिए खुली रहे, बाद में फिर इसको हम लोग अंदर रखवा देते हैं सुरक्षा के लिए। ये सोने चांदी की ताजिया अवध के नवाब आसिफुद्दौला की दी हुई है, जो लगभग 350 साल होने जा रहा है, एग्जैक्ट अभी 100 साल कम है, तो उनकी ही दी हुई है। और उन्होंने बाबा रोशन अली शाह जो हमारे पूर्वज थे उनकी तपस्या से खुश होकर के आस्थावश यहाँ पर दिया। जो मियाँ साहब का जुलूस निकलता है किस चीज भी निकलता शहर में जो आप देखिए, मियाँ साहब के दो तरह के जुलूस होते हैं, एक तो मुहर्रम के 3, 4 और 6, 7, 8 को इमामबाड़ा स्टेट के अंदर का गश्त होता है, वो शाम में 7:30 से 8 बजे तक होगा। फिर नवी का जुलूस रात का होता है, वो 9:30 बजे निकलता है, छोटा जुलूस है, 4.5 किलोमीटर का होता है। और मुहर्रम की 5 और 10 के जुलूस, ये हमारे 8 किलोमीटर के होते हैं, जो सुबह में 9 बजे 5वीं को और 9:30 बजे 10वीं को निकलता है। पूरे शहर कहा जाता है, लेकिन ये पुराना शहर जो है करबला होते हुए वापस फिर इमामबाड़े को आता है। कहाँ कहाँ से जायरीन यहाँ पे आते हैं? अब यहाँ के जायरीन तो आप ये समझ लीजिए कि गोरखपुर या पूर्वांचल के जितने लोग जहाँ भी कहीं बाहर में काम करने गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, व्यापार करने गए हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि मुहर्रम के टाइम वो गोरखपुर जरूर आए, भले वो ईद मिस कर जाएं, लेकिन मुहर्रम में आने की पूरी कोशिश करते हैं। और बाहर में भी अगर कोई है उसको मौका मिल जाता है तो वो गोरखपुर आके मुहर्रम यहाँ मनाने की कोशिश करता है।